गलती से उधर चला गया तो, गलती से किसी पेड़ पे चले गए तो, इन्हें पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाती होगी ना, ऐसे कैसे। तो देखिए मुझे तो रूम बहुत पसंद आया, इनफैक्ट एमिनिटीज की अगर हम बात करें में आपका स्वागत है। सोचा था 4 बजे निकलेंगे लेकिन नींद नाम की भी कोई चीज होती है, बस आलस में उठे लेट हम। 4 बजे तो उठे हैं और 5:30 बजे निकले हैं हम लोग। वी आर हेडिंग टू मनाली और 15 घंटे का रास्ता है, तो हमने प्लान किया है कि हम नॉन स्टॉप जाएंगे, तो हम आपको रास्ते के जरूर नज़ारे दिखाते हुए ले चलेंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये झील हम क्रॉस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था जब हम लोग गए थे कसौली, तो ये वही झील है और अब इसे क्रॉस करते हुए आसन, आसन जगह का नाम है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पोंडासाय, तो वहाँ पर मत्था टेक कर और फिर निकलते हैं आगे। देखिए हम आज हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 1.25 घंटे में हम ऋषिकेश से पोंटा साहिब पहुंच गए हैं। हमने एंट्री कर ली है बस, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 40 रुपए की अभी पर्ची कटेगी और रास्ता यहाँ पर बहुत खराब है। और देखिए यहीं से दूर से हमें पोंटा साहिब के दर्शन भी हो रहे हैं। तो देखिए हम आज बहुत टाइमली चल रहे हैं अभी तो, लेकिन जर्नी बहुत लंबी है, इसीलिए आज हम बाबा जी को भी बाहर से ही दर्शन करके उनको हाथ जोड़ रहे हैं और जल्दी से चलते हैं। यहाँ पोंटा साहिब पहुँच गए हैं हम और यहाँ से अब जाना है मनाली। तो बाबा जी सही 2 घंटे में हम लोग नाहन पहुंच गए हैं। आज बड़ी स्पीड से गाड़ी आई है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोंटा साहिब देहरादून हरिद्वार, ये 3। अब हम जाएंगे अंबाला रोड, वहाँ से तो हम आए हैं, तो ये देखिए नाहन सोलन शिमला ये सब एरोज लगे हुए हैं, लेकिन ये जो रास्ता अब जा रहा है अंबाला की तरफ, तो अब हम इसी रास्ते पर आगे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए, हरियाणा रोड है और ये हम जा रहे हैं पंचकुला हाईवे। बहुत सुंदर हाईवे है और इसीलिए हाईवे पे तो रोड वो स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है। टर्बो भी ब्लिंक कर रहा है, टर्बो भी पागल हो गया, टर्बो पागल हो गया और ये स्पीड जा रही है हमारी धीरे धीरे 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। वाओ, इस स्पीड से तो मुझे लग रहा है जल्दी पहुंच जाएंगे। वाओ, और देखिए कितने छोटे छोटे से पहाड़ है, बहुत कम हाइट है इनकी लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये पूरा रोड बहुत अच्छा मिला हमें पंचकुला वाला, वैसे तो पंचकुला सिटी अपने आप में ही बहुत अच्छी सिटी है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो फाइनली हमें वो रास्ता मिल गया है, हमने कम से कम 5 या 6 लोगों से पीछे रास्ता पूछा, लेकिन हमें वो रास्ता जो पायलट साहब को चाहिए था आज अभी मिल गया है। एक भाई साहब ने हमें बताया है, अब हमें जाना है माजरी, कहाँ से बताया था हमें जाना है पिंजौर, पिंजौर से नालागढ़ और नालागढ़ से फिर सीधा मनाली, तो अब हमें वो रास्ता मिल गया है। और ये एक्चुअली अभी हम और आगे थोड़ा सा जाएंगे, आपको दिखाएंगे रास्ता, इतना ब्यूटीफुल है ये, ठीक है जरा आगे लेके जाओ कैमरा, बहुत सुंदर, आई मीन ऐसा लग रहा है। और जगह जगह आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, स्पीड आप ज्यादा तेज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके घर पे आपको चालान मिल जाएगा, तो उसका जरा ध्यान रखना पड़ता है, फोटो खिंच जाएगी, फोटो खींच के आपके घर पे चलाना आ जाएगा। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश अगेन, फिर से 40 रुपए देने पड़े, हम गलती से चंडीगढ़ की साइड निकल गए थे और अब वापस हिमाचल में घुसे हैं, तो इसलिए अफकोर्स हमें देने पड़ेंगे दोबारा 40 रुपए और दे दिए। तो ये वैसे ऐसा होना चाहिए ना कि एक बार स्लिप मिल जाए तो इसी को बार बार दिखा दो। नहीं, नहीं तो एक ही
कहीं से भी आप एंट्री लोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं है ये। देखिए ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है मनाली अभी है 211 किलोमीटर मोर। ओ माय गॉड, इसका मतलब अगर हम एवरेज लगाएं तो हमें अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमें यहाँ से भी कितना घंटे लगने वाले हैं, अभी कम से कम 6 घंटे। और नालागढ़ से ये है स्वरा घाट तक का रोड, एक्सट्रीमली गंदा है, बहुत ही खराब रोड है, मतलब ये इस कंडीशन में कि कभी ना बनाए ना बनेगा। विदित कह रहा है पेट्रोल पीने दो, ये इसको पेट्रोल मिल रहा है, हालत हो गई है खराब। पिछले 7.5 घंटे से हम लोग बस चल ही रहे हैं गाड़ी में, लेकिन पीछे तो बहुत अच्छा रास्ता था, हमें नालागढ़ के बाद से पूरा कंटिन्यूसली हमें खराब रोड मिला है, एक्सट्रीम ट्रैफिक और रोड इतना खराब है, पेट का कचुंबर बन गया, हलवा बन गया। लेकिन अब यहाँ से आगे देखिए, या अभी भी ट्रैफिक बहुत है, तो मेन है कि अगर एक चीज़ मिले, या तो ट्रैफिक मिले या रोड खराब मिले, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। और स्पेशली बिकॉज जब हम कसौली गए थे वहाँ पे रोड्स इतने अच्छे थे, हमारा मन उसी को देख के ये कर रहा था कि हम दोबारा जाएँ हिमाचल, लेकिन ये वाला जो रूट देख के ना आज लग गया, क्योंकि पोल्यूशन भी अच्छा खासा है, हिमाचल के पॉइंट्स गिर गए, तो हिमाचल के पॉइंट्स अब नीचे गिरते जा रहे हैं। देखिए हमारे आगे एक डिएगो जा रही है और उस पर लिखा हुआ है द माउंटेन्स आर कॉलिंग, और वो भागी चले जा रहा है बस सबको ओवरटेक करते हुए। और यहाँ से हम जा रहे हैं सुंदर नगर, मंडी, मनाली, ये सब रास्ता है, तो ये एक ब्रिज बना हुआ है जिसे क्रॉस करके हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं। और फाइनली हमें अब एक अच्छा रूट मिला है, क्योंकि बिलासपुर क्रॉस करने के बाद हमने देखा एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री थी वहां पर, इसलिए ये सारा क्राउड था और इतने ट्रक हमें मिले बीच में, हमें लग रहा था कि ये रोड या तो स्पेशली ट्रक्स के लिए ही बनाई गई है, सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं हमें, बहुत क्राउड था और वो क्राउड इसीलिए था। तो अब जाकर फाइनली जब उसको क्रॉस किया है हमने, तो अब अच्छा रास्ता शुरू हो गया है और होपफुली हम जल्दी पहुंच जाएंगे। 4 घंटे अभी भी दिखा रहा है, 8 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं चलते चलते। हाँ जी, पीछे क्या हो रहा है? बोर हो रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। तो देखिए ये हम पहुंच गए हैं सुंदर नगर, और यहाँ से अभी 150 किलोमीटर आगे और जाना है, लेकिन 2 बज चुके हैं, 2:15 हो गए हैं, भूख लगी है बड़ी तेज, क्योंकि सुबह से सिर्फ घर से जो बना कर लाए थे पराठे वही खाए हैं। और यहाँ पर ये लाइन से ढाबे हैं, तो हमने एक ढाबा ढूंढा है जो थोड़ा खाली है और यहाँ पर हम लोग अपना लंच लेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इट्स अल्टीमेट। आइए, वाओ। और देखिए ये मतलब बिल्कुल सीन ऐसा लग रहा है जैसे सीनरी होती है ना, हम लोग जब बचपन में पेंटिंग करते थे इसी तरह की लैंडस्केपिंग बनाते थे, तो मुझे वही याद आ गया कि बीच में से पानी बह रहा है, माउंटेन छोटा सा दिख रहा है ऊपर, ग्रीनरी दिख रही है, वाओ। विदित तेरा इंजन देखिए, यहाँ पर ये छोटी छोटी मशीन्स हमें दिख रही हैं जो यहाँ खेती के लिए यूज़ की जाती हैं। जब हिमाचल में हमने एंटर किया था, सबसे पहले विदित की नज़र पड़ी थी वहाँ पर, एक शॉप थी वहाँ, 3-4 खड़े हुए थे। क्या बेटा, ओह देखो देखो नेवला नेवला, वो देखो जूम करो, ओए दो है, एक और है उसके पीछे, फैमिली है लगता है, नीचे गए गए, वाओ। तो देखिए यहाँ पर हमने थाली ऑर्डर की है, क्योंकि थाली में ना हमें वैरायटीज़ मिल जाती हैं और अलग अलग लेते हैं ना, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर खा नहीं पाते हैं। तो हमने 2 थाली ऑर्डर की हैं जिसमें से शेयरिंग करेंगे मैं और टिया, पापा और विदित। हाँ विदित विदित पापा के साथ ही शेयर करता है, तो खा के बताते हैं। 120 रुपीज़ की ये थाली है जिसमें अभी रोटी भी आएंगी, कैसा है विदित? टेस्ट करो, विदित को टेस्ट। अच्छा विदित भी दाल राइस ही खा रहा ना पहले, ओके। मैंने पनीर टेस्ट किया, वो भी बहुत सॉफ्ट है, टेस्टी टेस्टी है।
खाना बिल्कुल फ्रेश और टेस्टी था। इवन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर तंदूरी रोटी होगी, तो हमें तंदूरी रोटी देखकर तो मज़ा आ गया। तो इवन दाल मिक्स वेज बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत फ्रेश था, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दही के साथ तो मज़ा आ गया। विदित ने भी फिनिश कर दिया, वेरी गुड। विदित थक गया, विदित खाते खाते थक गया। भैया कितना हुआ? एक ये भी है। चलिए सब सबके चेहरे खिल गए हैं अब, क्योंकि भूख मिट गई है और पेट पूजा हो गई है। तो अब निकलते हैं अब आगे की तरफ, और अब सिर्फ नॉन स्टॉप हम चलेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। शूट करने के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ कुछ बीच में हम दिखाते रहेंगे। और सीधा पहुंचते हैं अब मनाली। इनफैक्ट मैंने एक चीज और देखी यहाँ पर कि लाइंस है यहाँ पर, गाड़ियों के शोरूम थे सारी, इनफैक्ट सारी कंपनीज थी यहाँ पर। स्कोडा का मैंने पहले था देहरादून में शोरूम, अब नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्कोडा का शोरूम भी मैंने देखा। तो आई मीन इट्स अ बिग सिटी आप कह सकते हैं। और देखिए पीछे हमने देखा था सुंदर नगर, एक्चुअली सुंदर था वो, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम हिल्स पर हैं। प्लेन एरिया था लेकिन दोनों तरफ माउंटेन्स दिख रहे थे और बहुत अच्छी नहर साथ में जा रही थी, ब्यास नदी थी वो, सॉरी। और अब हम आ गए हैं मंडी। इसमें देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, मल्टी लेवल पार्किंग, और एक तरफ पूरा मार्केट एरिया है ये, तो आपको सारी सुविधाएँ यहाँ मिल जाएंगी, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं यहाँ पर। अब यहाँ से 3 घंटे का और हमें आगे विजिट दिखा रहा है, तो जर्नी अभी बाकी है, चलिए चलते हैं। ये देखिए मंडी के बाद जैसे ही हमने चलना शुरू किया, एक तो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब, ओवरऑल रास्ता 80% खराब है। हाँ 80% खराब है। और ये देखिए जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इनको काटा जा रहा है माउंटेन्स को, और धूल मिट्टी पूरी है रास्ते में और ट्रैफिक भी बहुत है। तो हम तो ये प्लान कर रहे हैं अभी कि अगर वापसी में ना, या तो हम रात को निकलेंगे या फिर हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वही 4 बजे निकलना पड़ेगा इस रूट से। और देखिए ये ट्रैफिक जाम इसलिए है, रास्ता खराब इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर टनल पे टनल बन रही हैं। अभी हमने पीछे भी देखा था, 2 टनल बिल्कुल रेडी हो गई थी और बस उसको कनेक्ट करना था, थोड़ा सा काम है, और शायद ये भी वहीं कहीं कनेक्ट होंगी। तो इसकी वजह से ये सारा ट्रैफिक मिल रहा है हमें। और लेकिन आई एम श्योर जब ये टनल्स बन जाएंगी तो थोड़ा रिलीफ ज़रूर हमें मिलेगा, इसीलिए हम जो इन्होंने अटल टनल बनाई है बहुत लंबी, हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, क्यों बच्चों? ज़रूर। ओके विदित कहाँ छुपा हुआ है? बच्चों की हालत हो गई है ख़राब एक्चुअली, अब इनकी एनर्जी हो गई है बिल्कुल ज़ीरो। कम से कम कितने हो गए हमें, 10 घंटे हो गए हमें ऑलरेडी चलते हुए, और अभी आई थिंक 2.5 से 3 घंटे और लगने वाले हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो स्पीड, जो ड्यूरेशन था वो 45 मिनट्स और ज़्यादा दिखा रहा है। चलिए लेट्स गो, पहुँचना तो है ही। बहुत प्यारा मंदिर देखिए, माँ ने कहाँ जाके अपना स्थान ग्रहण किया है। मंदिर यहाँ से शुरू है ये, लेकिन इसका रास्ता फिर यहीं से पीछे की तरफ से जाते हुए पीछे मंदिर दूसरी पहाड़ी पर है। बहुत प्यारा मंदिर है हड़ोंगी माता का। ये देखिए हम टनल के अंदर घुस तो गए, लेकिन पता नहीं है कि हम सही रोड पर हैं या नहीं है, ये मनाली जाएगा या नहीं, पर अब बाहर निकल के पता चलेगा। काफी लंबी टनल है ये। फाइनली बाहर आ गए। कितना लंबा, कितनी लंबी टनल बनाई है इन्होंने, और काफी चौड़ी थी, 2 गाड़ियां भी एक साथ निकली है वहां से। तो हमने कुल्लू वाला जो रोड है वो पीछे छोड़ दिया है, अभी ये मणिकरण और मनाली की तरफ जो रोड जाता है ये ब्रिज आगे है। देखिए इस ब्रिज को हम क्रॉस करके जाएंगे तो ये वही रोड है, और अब यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 1 घंटा तो लगभग और लग जाएगा। मणिकरण बहुत सुंदर जगह है, मुझे वैसे भी पहले कई लोगों ने बताया कि हिमाचल जाएं तो मणिकरण जरूर जाएं, तो हम विजिट जरूर करेंगे। तो देखिए ये सामने हमें दिख रहा है मनाली पतली कोहल और सोलंग वैली रोहतांग, तो हमें ये पतली कोहल वाले रूट पे जाना है, तो हम अभी सीधे जाएंगे और वहां से आगे से लेफ्ट टर्न आएगा तो हम लेफ्ट टर्न लेंगे।
तो देखिए हम अब जा रहे हैं लेफ्ट रोड पर, लेफ्ट साइड पर। यहाँ से बस अब एक टर्न आएगा जो हमें नगर, जो मेन हमारी डेस्टिनेशन है, हमें वहां जाना है नगर की तरफ। तो यहाँ से भी देखिए हमें दिख रहा है नगर, यहाँ से 5 किलोमीटर है। पूरे 13 घंटे में हम लोग पहुंचे हैं, एग्जैक्ट 13 आवर्स, बट इट वॉज अ टायरिंग डे और सब लोग थके हुए हैं। बट मैं आपको रूम सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि उसके बाद हम सब मेस कर देंगे। और रूम इतना ब्यूटीफुल है कि मैं दिखाए बिना आपको रह नहीं सकती हूँ। देखिए हमारा जो रूम है, चेक इन हमने कर लिया था, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट अपना रूम दिखा रही हूँ। बाकी हम आपको किस तरह का ये होम स्टे है वो मैं कल दिखाऊंगी। डेकोरेशन देखिए आप, मतलब मैं देख के ना, मैंने पिक्चर, क्योंकि पिक्चर्स इसकी देखी थी, अभी बाहर का इवन नज़ारा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, सुबह मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जब हम सुबह बैठकर वहां चाय पिएंगे और सामने जो माउंटेन्स का जो व्यू है अल्टीमेट, देखिए क्या किस तरह से सेटअप इन्होंने किया है ना। आपको पहले डाइनिंग मिलता है, फिर बेड मिलता है, इधर टीवी दिया हुआ है, सोफे के साथ भी यहाँ पर आपको टेबल मिलता है, सेंटर टेबल, और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान इन्होंने रखा है। इवन 3 डोर्स हैं यहाँ पर, ये 3 डोर्स हम आपको कल दिखाएंगे, 3 डोर से आपको बालकनी मिलती है, तो वो बहुत अच्छा है। और 2 अलग अलग बेड्स हैं क्योंकि बच्चे साथ थे, तो ऑफकोर्स हमें स्पेस तो चाहिए ही होता है, काफ़ी स्पेस ही स्पेस है। और यहाँ पर हमें मिनी फ्रिज भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मिल रहा है, और रात का थोड़ा सा तो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आइए, तो देखिए मुझे तो रूम बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरा ये जो केटल सेट आपको दिया हुआ है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हर छोटी छोटी चीज़ इन्होंने डेकोरेट जिस तरह से की हुई है, पूरा होम स्टे वाला एक फील आपको मिलता है। खाना बहुत डिलीशियस है, इवन देखने से ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, खाके और अच्छा लग रहा है। आज का हमने जो वीडियो पूरा रोड ट्रिप आपको दिखाया है, इसमें हम एक्चुअली बहुत अच्छे से आपको शायद इसलिए नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, और ये वाला रूट बिल्कुल हमारे लिए नया था, इसीलिए हम पूछते पूछते आए। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा अच्छे तरह से कवर करेंगे, बट अभी हमें आगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखानी है, तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और देखिए खाने का जो मैं कहना चाहती हूँ, इवन बच्चे जब खुश होकर खा लेते हैं ना, तो मम्मी पापा की टेंशन कम हो जाती है। बहुत ही होमली फूड है, फूड की गारंटी है, नॉन ऑयली, लेस स्पाइसी, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं ऐसा खाना। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए ट्रैवल करते रहिए ओडी एक्सपर्ट सपना के साथ, और वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जय माँ गंगे, हर गंगे।